हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्यूटर टिप्स तो आज हम इकोनॉमिक सेशन में पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले हमें मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए जिसे हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका क्या मतलब है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इवन इट्स टाइप्स तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो जिसे कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं सो नाउ लेट स्टार्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टेट्स दैट एज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्राम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग तो ये लोग क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी कंजम्पन से जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो डिक्लाइन होती रहती है वो कम होती रहती है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज एक कंज्यूमर है और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो वो एक गिलास पानी का कंज्यूम करता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी अब उसकी एक ग्लास पानी से सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है लेकिन उसकी प्यास ख़त्म नहीं होती तो वो दूसरा ग्लास कंज्यूम करता है तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पहले ग्लास के कंपैरिजन में कम होगी ऐसी अगर उससे भी उसकी प्यास खत्म नहीं होती तो वो तीसरा ग्लास कंज्यूम करेगा और ऐसा ही करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी प्यास ख़त्म हो जाएगी तो ये लॉ हमें यही एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम होती रहती है नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एक्जम्पन्स तो एग्जम्शंस क्या हैं एजमशन्स बेसिकली कंडीशंस होती हैं जिनके बिना कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तो इस लॉ के लिए मेन एग्जम्शंस कौन सी हैं फर्स्ट इज़ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम इट मीन्स कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल और नमेरिकल वैल्यूज में लाइक वन टू थ्री फोर उसमें मेज़र कर सकते हैं सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेंस कॉन्स्टेंट इट मीन्स कि मनी को मनी की हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है थर्ड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कॉमोडिटी इज इंडिपेंडेंट कि जो हर कॉमोडिटी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंट नहीं होगी दैन द फोर्थ इज एवरी यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी बींग यूज इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज इट मीन्स कि जो कॉमोडिटी के यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी और सेम साइज़ की होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं तो हर टाइम वही साइज़ का कप होगा अगर हम पानी के गिलास की बात कर रहे हैं तो हर टाइम उतना ही गिलास होगा और उतना ही उसमें पानी होगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा नेक्स्ट इज़ देर इज़ अ कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी इट मीन्स कि जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन कॉन्टीन्यूसली हो रही है एक के बाद एक यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है लाइक like पहले एक यूनिट देन सेकेंड यूनिट देन थर्ड देन फोर्थ दैन फिफ्थ ऐसे एंड द नेक्स्ट इज सुटेबल क्वान्टिटी ऑफ द कॉमोडिटी इज कंज्यूम्ड इट मीन्स की जो कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स को ही लिया जाएगा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स को ही कंज्यूम किया जाएगा अगर हम टी की बात करें तो हम कप ऑफ टी लेंगे ना कि स्पून ऑफ टी जिस चीज की स्टैंडर्ड यूनिट बनी हुई है हम उस, उसमें ही उसको मेजर करेंगे द नेक्स्ट इज देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इट मीन्स कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होगा द नेक्स्ट इज देर इज़ नो चेंज इन द प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स सब्सिट्यूट इट मीन्स की जो कॉमोडिटी जिसको कंज्यूम किया जा रहा है उसके प्राइज में कोई भी चेंज नहीं है और ना ही उसकी सब्सिटीट्यूट गुड्स के प्राइज में कोई चेंज है एंड द लास्ट इज देर इज नो चेंज इन द टेस्ट करैक्टर फैशन एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर इट मीन्स जो कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफ्रेंसिस उसमें कोई भी चेंज नहीं है जो वो पहले से कंज्यूम करते आ रहे रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दिस लॉ इलस्ट्रेशन सपोज एक कंज्यूमर है वो एप्पल्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है फॉर इज ओन सेफेक्शन और उससे उसको कुछ ना कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं जब वो फ़र्स्ट एप्पल को या फिर एक यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसको फिफ्टीन यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एज जब वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है लाइक वो सेकेंड एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है डिक्लाइन होकर कितनी रह जाती है सिर्फ टेन यूटिल्स ऐसे ही थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होकर फाइव यूटिल्स रह जाती है ऐसे ही फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद जो भी यूनिट्स वो कंज्यूम करता है उस पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है नाव लेट्स डिस्कस इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो पहले हम एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी जो कि यहाँ पे एप्पल्स हैं उसको लेंगे इन यूनिट्स लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स वेयर ऑन द वाई एक्सिस हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अब हम जो उसकी सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र करके आए हैं उसको इस ग्राफ पे शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स कंज्यूम तो जब वो फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसको फिफ्टीन यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एज सेकेंड यूनिट पर उसको टेन यूटिल्स थर्ड यूनिट पे फ़ाइव यूटिल्स फोर्थ यूनिट पे कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है फिफ्थ यूनिट पे माइनस फाइव यूटिल्स एंड सिक्स यूनिट पे माइनस टेन यूटिल्स जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलता है तो वो कर्व हमें क्या शो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारा ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि व्हेन वी गो ऑन कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ दैट कॉमोडिटी गोज ऑन Diminishing in relation to the preceding unit, other things being equal, it means कि अगर हम assumptions को leke चलें तो हम जैसे जैसे एक commodity की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे जो हमें एडिशनल यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो डिमिनिश होती रहती है ये लॉ हर तरह के गुड्स और सर्विसेज के लिए अप्लाई होता है इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सटिस्फ़ेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लॉ इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू